एएमई टेक्नोलॉजी मोहाली। जैसे कि हमने अपने लास्ट टॉपिक में कंट्रोलर क्रिएट किया था और इसी तरह से व्यूज कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम अपना ब्लॉग फॉलो करेंगे और अपनी नेक्स्ट कोडिंग को आगे मूव करते हैं कि अगर हम कंट्रोलर के बाद कोई भी व्यू क्रिएट करवाना चाहते हैं, चाहे मॉडल क्रिएट करवाना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से कोड्स की यूज करना है। तो हम स्क्रीन पे मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है व्यूज़ का, ठीक है। तो व्यूज़ के लिए हमारे पास यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्होंने कोड प्रोवाइड करवाया है, उसको हम यूज़ करेंगे। सिंपली पहले तो हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया और उसका डेमो डेटा शो करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम व्यू कैसे क्रिएट करते हैं कोडिंग नाइटर के अंदर। एक सिंपल सा व्यू पेज हमने क्रिएट करना है, जैसे कि इन्होंने बोला है एप्लीकेशन व्यूज के अंदर अबाउट डॉट पी एच पी नेम से आप कोड क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यही कोड जस्ट फॉर डेमो यही यूज कर लूंगी, ठीक है। अबाउट डॉट पी एच पी मुझे नेम देना है और व्यूज के अंदर अपना नेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। तो हम एप्लीकेशन के अंदर मूव करते हैं, यहाँ पे मेरा व्यूज का फोल्डर है और यहाँ पर हम अबाउट डॉट पी एच पी नेम से एक फाइल क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर अपना जैसा भी हमें व्यू क्रिएट करना है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अबाउट डॉट पी एच पी मेरी फाइल का नेम है, ठीक है। और इसको हम एडिट कर लेंगे और इसके ऊपर जो हमारा कोड है जस्ट फॉर डेमो वो हम पेस्ट करके इसको एक बार फिर से सेव एज कर लेते हैं। अबाउट ऑफ पी एच पी, ठीक है। जस्ट अबाउट कोड इग्नाइटर व्यूज हेयर, मैं थोड़ा कंटेंट इसमें एडिट कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से हमने अब व्यू तो क्रिएट कर लिया, मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हो, बट उसके बाद हमें इसका जो कंट्रोलर है उसमें व्यू को लोड करवाना है। तो उसके लिए हमारे पास कोड रहता है दिस लोड व्यू और व्यू पेज का नेम, मीन्स दिस डॉट लोड व्यू जहाँ आपकी डायरेक्टरी का नेम, फिर उसके बाद पेज का नेम, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकते हो। जैसे कि अबाउट के अंदर हमने पहले टाइप किया हुआ था अबाउट अस, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जब हमारा अबाउट का पेज वर्क हो तो वहाँ पे हमें डिफरेंट आउटपुट चाहिए। तो हम अपने कंट्रोलर में जहाँ पे हमने अबाउट अस लिखा है उसकी जगह पे अबाउट का जो हमारा पेज बना हुआ है उसको कॉल करवा लेंगे, ठीक है। दिस लोड व्यू अबाउट, तो उसके बाद आपने जैसे इसका एक कंट्रोलर में लोड करवा लिया है इसको, ठीक है। और अब हमने इसको कॉल करवाना है, जैसे कि हमने करवा ही रखा है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, जैसे हेलो मेरा फर्स्ट फंक्शन था, उसके बाद मीन्स कि मेरा क्लास का जो जैसे फंक्शन नेम है वो हेलो है, उसके बाद इंडेक्स चल रहा है और उसके बाद अबाउट चल रहा है, और अबाउट में हमने जो अपना व्यू क्रिएट किया था जैसा भी है वो जो भी आप इसमें लिखोगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए हमने सिर्फ सिंपल ये लाइन यूज़ की है दिस लोड व्यू, ठीक है। दिस लोड व्यू से ये हेलो अबाउट पे ये हमारा कंटेंट शो हो गया, ठीक है। सिंपली ये ऐसे कोड नहीं दिखाते क्योंकि इसके व्यू के लिए क्लासेस बनी रहती है, जैसे उन्होंने H1 के अंदर अपना कंटेंट डाला है वहीं पे हमें लिखना पड़ेगा। सिंपली लिखा हुआ टेक्स्ट हमारा शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, जब फिर ये हमारा पेज रिफ्रेश कर पा रहा, ये आ गया मेरा पेज रिफ्रेश होने के बाद। तो आप अगर आपके सिस्टम पे आपकी ब्राउजर कैश बहुत ज़्यादा हो रखी है तो आप प्लीज़ उसको रिमूव कर लीजिए, जैसे मेरा ये वर्क नहीं कर रहा था, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट जैसा भी मैंने लिखा हुआ वो शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी अपने पेज के लिए अपना न्यू व्यू क्रिएट करवा सकते हो और उसको लोड करवाने के लिए आपने अपने फंक्शन का नेम टाइप करना है और आपका कंटेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।